श्री राम जंगल में थे। वे अपने एग्जाइल के समय को बिताने के लिए जंगल में रह रहे थे, जहां वे अपने दिन ध्यान और साधना में बिताते थे। उनके साथ लक्ष्मण और सीता मां भी थी। वे तीनों एक साथ इस कठिन समय का सामना कर रहे थे, एक दूसरे का सहारा बनकर। एक दिन रावण ने सीता मां को किडनैप कर लिया। रावण ने अपनी चालाकी से सीता मां को धोखा दिया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। श्री राम बहुत सैड हुए। सीता मां के बिना उनका जीवन अधूरा लगने लगा और वे बहुत दुखी हो गए। वे अपनी प्यारी सीता मां को ढूंढ रहे थे। उन्होंने हर कोने में जाकर सीता मां की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। तभी उनकी मीटिंग हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने श्री राम को देखा और तुरंत पहचान लिया कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान जी ने बताया कि वे वानर सेना के लीडर हैं, सेना के बारे में बताया और कहा कि वे उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वानर सेना में हजारों वानर थे। ये वानर बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयल थे और अपने लीडर हनुमान जी के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। सभी वानर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वे अपनी शक्ति और साहस के लिए जाने जाते थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। श्री राम को वानर सेना की हेल्प की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि वानर सेना की मदद से वे सीता मां को रावण के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, क्या आप और आपकी वानर सेना मेरी हेल्प करेंगे? आपकी सहायता से ही मैं सीता मां को वापस ला सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, हम आपके सेवक हैं। आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है और हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। आपकी आज्ञा हमारा धर्म है। हम आपके साथ हैं और आपकी हर संभव मदद करेंगे। श्री राम बहुत हैप्पी हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे सीता मां को वापस ला सकेंगे। उन्होंने वानर सेना का धन्यवाद किया, उनकी निष्ठा की सराहना की। अब श्री राम के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। इस सेना के साथ वे रावण के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। किसी भी वानर सेना आगे बढ़ रही थी। वे एक महान उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे और उनके हृदय में केवल एक ही लक्ष्य था, माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराना। तभी उनका सामना गणेश जी से हुआ। यह एक अद्भुत और पवित्र क्षण था। गणेश जी शिव और पार्वती के बेटे थे। वे अपने माता पिता के आशीर्वाद से सदा ही शक्तिशाली और बुद्धिमान बने रहे। वे बुद्धि और विद्या के देवता थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही ज्ञान और शांति का संचार होता था। गणेश जी ने वानर सेना को रोका। उनकी दृष्टि में एक गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने पूछा, तुम सब कहां जा रहे हो? उनकी आवाज में एक मधुरता और जिज्ञासा थी। हनुमान जी ने कहा, हे गणपति, हम श्री राम की सेना हैं। हम अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम अपनी माता सीता को रावण से छुड़ाने जा रहे हैं। यह हमारा धर्म और कर्तव्य है, गणेश जी ने कहा। यह तो बहुत ही अच्छा काम है। उनकी मुस्कान में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। यह सुनकर वानर सेना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वानर सेना बहुत खुश हुई। वे जानते थे कि गणेश जी की सहायता से उनका कार्य और भी सरल हो जाएगा। गणेश जी उनकी मदद करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करने का वचन दिया। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से वानर सेना को रास्ता दिखाया। उन्होंने उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। उन्होंने वानर सेना को बहुत सी मुश्किलों से पार करवाया। उनकी सहायता से वानर सेना ने अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। वानर सेना आगे बढ़ रही थी। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। समुद्र बहुत गहरा और तूफानी था। वानर सेना समुद्र को देखकर डर गई। हनुमान जी ने कहा, भाइयों, चिंता मत करो, हम इस समुद्र को पार कर लेंगे। लेकिन कोई भी वानर समुद्र पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। उन्होंने अपनी शक्ति से समुद्र को शांत कर दिया।
अब समुद्र शांत और पार करने लायक था। वानर सेना गणेश जी की आभारी थी, उन्होंने गणेश जी की बुद्धि की तारीफ की। समुद्र पार करके वानर सेना लंका पहुंची। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन वानर सेना ने हिम्मत नहीं हारी। लंका रावण का राज्य था। रावण एक शक्तिशाली और क्रूर राजा था, जिसने लंका को एक अभेद्य किला बना दिया था। लंका सोने का शहर था। इसकी चमक और वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन लंका में घुसना बहुत मुश्किल था। रावण ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ऊंची और मजबूत दीवारें बनवाई थीं। लंका के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। ये दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थीं कि उन्हें पार करना असंभव सा लगता था। दीवारों पर रावण के सैनिक पहरा दे रहे थे। ये सैनिक दिन रात चौकसी करते थे ताकि कोई भी दुश्मन अंदर न आ सके। वानर सेना को लंका में घुसने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे सभी बहुत चिंतित और परेशान थे। तभी गणेश जी ने कहा, घबराओ मत। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और धैर्य था, जिसने वानर सेना को आश्वस्त किया। मेरे पास एक उपाय है। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से लंका की दीवारों को गिरा दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे किसी चमत्कार ने काम किया हो। अब वानर सेना आसानी से लंका में घुस सकती थी। वे सभी गणेश जी की इस मदद से बहुत खुश थे। वानर सेना गणेश जी की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने महसूस किया कि गणेश जी के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने गणेश जी का धन्यवाद किया। गणेश जी की बुद्धिमानी और शक्ति ने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी। सेक्शन 5, लंका विजय। वानर सेना लंका में घुस गई। रावण की सेना और वानर सेना में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। वानर सेना बहुत बहादुर थी। वे रावण की सेना पर टूट पड़े। हनुमान जी ने रावण के महल में आग लगा दी। लंका में हाहाकार मच गया। रावण को अपनी हार दिखाई देने लगी। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत भयानक था। अंत में श्री राम ने रावण को मार डाला। सेक्शन 6, रावण का अंत। रावण के मरने से तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। वानर सेना खुशी से नाचने लगी। श्री राम ने सीता मां को मुक्त करा लिया। सीता मां श्री राम से मिलकर बहुत खुश हुई। गणेश जी ने श्री राम और सीता मां को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आप दोनों सदा सुखी रहें। सेक्शन 7, विजय उत्सव। श्री राम, सीता मां और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। अयोध्या में उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। लोग खुशी से नाच रहे थे। श्री राम के राजा बनने का आयोजन हुआ। श्री राम अयोध्या के राजा बने। उनके राज्य में सुख और समृद्धि थी। गणेश जी भी विजय उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया। सेक्शन 8, प्रेरणादायक सीख। यह कहानी